जैसे एक सीडी होती है, उस सीडी में कोई मूवी रिकॉर्ड है। अगर मान लीजिए उसमें रिकॉर्ड है, मूवी का नाम है मैं कौन हूँ, हु एम आई, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ द सीक्रेट ऑफ टाइम, समय का रहस्य। किंतु उस सीडी में हु एम आई रिकॉर्ड है। मैं उसे टीवी में चलाता हूँ, डीवीडी में प्ले करता हूँ, और वो चलाती है हु एम आई, और मैं द सीक्रेट ऑफ टाइम देखना चाहता हूँ, तो मैं उससे कहता हूँ कि मुझे सीक्रेट ऑफ टाइम देखनी है, लेकिन वो मुझे हु एम आई दिखाता है। मैं उससे फिर कहता हूँ, वो फिर मुझे वही दिखाता है। मैं फिर और ऊंची आवाज करके कहता हूँ, वो फिर भी मुझे वही दिखाता है। मैं और गुस्सा करके कहता हूँ, वो मुझे फिर भी वही दिखाता है। अब इसमें गलती किसकी है? जब डीवीडी में मूवी ही वो रिकॉर्ड है, तो मुझे वो दूसरी मूवी दिखाएगा कैसे? ठीक उसी प्रकार अपने आसपास देखिए, जो आत्माएं जो भी पार्ट वो बजा रही हैं, ऐसा नहीं है हमने प्रयास करके नहीं देखा है। हम सभी प्रयास करके देख चुके हैं, थक चुके हैं, थके हैं ना, बहुत बार बोला होगा, लेकिन वो फिर भी वही करते हैं। क्या वो गलत हैं? नहीं, उनके अंदर वही रिकॉर्डिंग सेट है, वो उसे प्ले करते रहते हैं, या कहें ऑटोमेटिकली वही प्ले होती रहती है, और हम उन्हें स्वीकार ना करने के कारण उन्हें और नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि सीडी में दूसरी मूवी रिकॉर्ड करने की बजाय हम सीडी को पटकने लग जाएं, तो पटकने से तो दूसरी मूवी उसमें रिकॉर्ड होगी नहीं।